बीए करके इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लिख करके और अपने अपने राज्य में अपने गांव में अपने घर में आए बिजनेस करने के लिए, इसी तौर पे कि हमको स्वदेशी बनना है, हमको किसी कंपनी के लिए नहीं काम करना है, हमको रोज़गार देना है लेना नहीं है, यही मोटिव था आपका। और यहाँ का जो जीडीपी है अपना बिहार का जीडीपी, हम जो भी व्यवसाय करेंगे उसके द्वारा हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, तो ये सब सोच के कि अपने देश को जहाँ से हम लोग पले बढ़े और आगे बढ़े हैं तो बिहार का नाम। तो ये जो भूमि है खुद आपका अपना है या लीज पे लिए है या? ये बहुत सारे किसानों का है, लगभग 15 से 20 किसान लोग का ये पूरा ज़मीन है, लेकिन हम लोग जब बात किए उनको समझाए कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग करना चाहते हैं मत्स्य पालन का काम करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज़। हम आप सबको बताते हैं कि आज हम अंधरा ठाड़ी प्रखंड के एक रोहित मछली जो फार्म है वहाँ आए हैं, ठीक है, और जानेंगे चूँकि हम देखे हैं और इनका उद्घाटन शायद कुछ दिन पहले हुए थे क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन भी मिला था लेकिन हम नहीं आ पाए थे। आप लोग को दिखाएंगे हम कि बिहार में लोग किस तरह से भी अपना बिजनेस करते हैं और किस तरह से कैसे कर सकते हैं। बिहार में भी बड़े बुद्धिजीवी कहा जाए, जो बिजनेस के तौर पे कहा जाए या जो भी कहा जाए कि है, ऐसे युवा है जो मच्छी पालन हो या और भी अनेक तरह के हो कार्य करते हैं, उसी दौड़ में है ये व्यक्ति, इनसे जानेंगे। सबसे पहले मधुबनी गुड न्यूज़ में स्वागत है और चाहेंगे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोहित भंडारी हुआ और मैं भगजरी का रहने वाला हूँ। मेरा हायर एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ जहाँ पर मैं MBA एग्री बिजनेस से पास आउट हूँ और उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। जॉब रिज़ाइन करने के बाद जब मैं इसके बारे में जाना समझा और देखा तो सीफा भुवनेश्वर और बैंगलोर और अलग अलग जगहों से मैंने ट्रेनिंग ली और इस क्षेत्र में मत्स्य पालन में आगे बढ़ने का मैंने निश्चय किया और ताकि हम भी इस अपना स्वयं कुछ काम कर सके और दूसरे को भी एक रोजगार देने का मौका इससे मिल सके। देखिए इनका मोटिव था और इन्होंने MBA किए पढ़े जी। हम बताए कि MBA करके इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लिख करके और अपने अपने राज्य में अपने गांव में अपने घर में आए बिजनेस करने के लिए, इसी तौर पे कि हमको स्वदेशी बनना है, हमको किसी कंपनी के लिए नहीं काम करना है, हमको रोज़गार देना है लेना नहीं है, यही मोटिव था आपका? जी जी अवश्य, क्योंकि यह है कि हम कितना दिन तक दूसरे के लिए काम करेंगे। अगर हम खुद अपने क्षेत्र में आते हैं, बिहार इतना बड़ा राज्य है, हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्यों ना अपने क्षेत्र में काम करें और दूसरे को भी रोज़गार दें ताकि जो पलायन है वो बंद हो और यहाँ पे जो रोज़गार मिले। और यहाँ का जो जीडीपी है अपना बिहार का जीडीपी, हम जो भी व्यवसाय करेंगे उसके द्वारा हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, तो ये सब सोच के कि अपने देश को जहाँ से हम लोग पले बढ़े और आगे बढ़े हैं तो बिहार का नाम आगे बढ़ाना है, तो ये सोच के हमने ये सब काम आगे जी। अच्छा रोहित जी, हम बात करेंगे ये जो फॉर्म है आपका तकरीबन कितने क्षेत्रफल में है, अब इसी चीज़ पे हम सब बातचीत करेंगे कैसा है क्या है। तो ये क्षेत्रफल पहले जमीन बताइए, भूमि जो है वो कितना रकबा है इनका पूरा? ये लगभग 7 बीघा का है और यहाँ पे लगभग ये मरुकिया जो गांव है उसका ये मरुकिया गांव में पड़ता है और बस्टन का बॉर्डर साइड है। अच्छा सर, तो ये जो भूमि है खुद आपका अपना है या लीज पे लिए है? ये बहुत सारे किसानों का है, लगभग 15 से 20 किसान लोग का ये पूरा ज़मीन है, लेकिन हम लोग जब बात किए उनको समझाए कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग करना चाहते हैं मत्स्य पालन का काम करना चाहते हैं, तो उनको बैठा के समझाए, तब उन्होंने राजी हुए और अग्रीमेंट के लिए उन्होंने पेपर बनाया और हमें ये ज़मीन मत्स्य पालन करने के लिए वो दी। अच्छा हम बात करेंगे कि ये कितना भूमि बड़ा है और देखा जाए कि आपको हम पूरा दिखाएंगे कितना तालाब, कितना क्या गो तालाब है अभी? लगभग यहाँ पे 5 तालाब है, 2 तालाब लगभग 1-1 बीघा से ज़्यादा का है लगभग, और 2-2 तालाब जो छोटा मैं बनाया हूँ वो लगभग आधा एकड़ का है, तो और एक छोटा सा तालाब है वो लगभग 8-10 कट्ठे का। अच्छा इसकी गहराई कितनी है आपकी गहराई? ये अगर ऊपर से लेके नीचे तक जाते हैं ना तो लगभग 10 से 12 फीट की गहराई है, लेकिन अमूमन जो पानी रहता है 6 से 7 फीट रहता है। अच्छा 6-7 फीट होता है। हम बात करें कि सरकार की, अगर बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपको किस तरह से उनका हेल्प मिला है, जो बात किया जाए गवर्नमेंट की, और तो उनसे कुछ सहायता मिला है आपको? तो गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्कीम हैं
जो अगर बिजनेस एंड आउटरीच क्लिनिक स्कीम है उसके तहत से सहायता मिलती है, और सरकार का जो केंद्र सरकार का जो अभी बहुत सारा मत्स्य पालन वाला सब आ रहा है, तो उसमें हम लोग को जो ओबीसी कैटेगरी है उसके तहत सहायता मिल सकती है जब हम अप्लाई करते हैं। अभी कुछ नहीं मिला है ऐसा, तो उसके लिए हमने प्रोसेसिंग जारी की है, एसबीआई में अप्लाई किया है, तो उसके थ्रू हम लोगों का जल्दी ही वो। इनके हौसला को सलाम है, जज्बा बहुत अच्छा है कि हम अपने बहुत अच्छा है कि हम स्वदेशी बने, जो हम उपजाएंगे वही खाएंगे। अच्छा है, हम काहे ना आंध्र प्रदेश का मछली खाएंगे, सब्जियां खाएंगे। अच्छा, और इसमें और कुछ आपका प्लानिंग चल रहा है करने का कि मछली ही रहेगा सिर्फ? ये जो मेड़ है आप देख सकते हैं चारों बगल, तो उस पर हम लोग सागवान और महोगनी का पेड़ ला के रखे हैं, वो लगाएंगे। और साथ ही साथ जो सब्जी अभी हम लोग कद्दू और कदीमा का सब्जी लगाए हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो उसका भी सब्जी का भी खेती करने का हमारा आगे प्लान है। साथ ही साथ पपीता का पेड़ लगाएंगे आगे जाके, ताकि मछली के साथ साथ और भी सब्जी फल यहाँ पे हो और उससे भी हम कमाई कर सकें। अच्छा, अभी मछली है इस तालाब सब में, थोड़ा आगे आएंगे, मछली है तालाब में आपका इसमें? नहीं, अभी से हम लोग, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमें बिजली मिली है, इसलिए अभी पानी भर रहे हैं, पानी पटाव कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ पानी ही जा रहे हैं कि कुछ और डाल रहे हैं इसमें केमिकल वगैरह में? गोबर डाल चुके हैं। अच्छा, गोबर डाले, ये देखिए गोबर है। अच्छा, गोबर लाते कहाँ है? किसान से लाते? किसान कहीं लाते, तो कहीं ना कहीं इसमें किसान भाई का भी फायदा है कि उनका गोबर ये लेंगे। कितना गोबर आप इसमें डालते हैं? दो बोरिंग है और एक एक एचपी का है जो हम छोटा मोटा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग मतलब पानी देख रहे हैं कि पानी चल रहे हैं, और ये जो भीट बना है, जो मखार बना है, शायद हमको लगता है समझता है इससे भी इन्होंने इनके पास जी। आपके पास तो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस प्लान होगा, क्योंकि एक ही बताए हमको, आप लोग कंपनी में जॉब करने के लिए कैसा महसूस हुआ? कंपनी में आप बहुत सुनिश्चित लगा, आपका जो मानसिकता है वो सीमित हो जाता है, जैसे कंपनी चलेगा वैसा करना पड़ता है, आप दूसरे काम नहीं कर सकते जो आपका।